तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये बुरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण मास्टर मास्टर से पूछा था हमारे व्याधि का क्या कारण है, तो मास्टर मास्टर ने कहा कि औरों को सिखाने के लिए कि व्याधि होने पर भी कैसे मन को ईश्वर केंद्रित रखा जाए, कारण आप सदैव ईश्वर चर्चा ही कर रहे हैं इतना कठिन बीमारी होने के बावजूद निरंतर आप भगवत प्रसंग कर रहे हैं, तो ये देखकर हम लोग सीख सके हमें भी, क्योंकि व्याधि तो अनिवार्य है, शरीरम व्याधि मंदिरम। ठाकुर इसको अनुमोदन कर रहे हैं, कहते हुए कह रहे हैं उनके और एक अंतरंग गृह पार्षद बलराम बसु उनके बारे में कह रहे हैं। बलराम बोलने आपनारी यही तब हमारे हमें ना कहना, अगर आपको भी ऐसी हो रहा है तो हमें भी क्यों नहीं होगा। शरीर धारण करने से रोग शोक अनिवार्य है, जब भक्तगणों को भी रोग शोक होता है तब हम लोग भगवान के ऊपर अति अभिमान करते हैं। अगर भगवान को हम लोग पुकार रहे हैं तो हमें क्यों रोग होगा, वेरी नेचुरल है, स्वाभाविक है। जो असत कर्म कर रहे हैं उनको भले ही रोग शोक हो, जो सत्कर्म कर रहे हैं भगवान को पुकार रहे हैं उनके जीवन में क्यों दुर्दशा होगा। तभी हम जब देखते हैं स्वयं भगवान को भी हो रहा है, ये जीवन का धर्म है, शरीर धारण करने से ये लेना ही पड़ता है, अर्थात इसको शांत चित्त में सहन लेना चाहिए। तो यहाँ पर श्री राम कृष्ण और भी कुछ संयोजन कर रहे हैं, न केवल शारीरिक व्याधि जो संसार में जो शोक होता है, प्रियजन को विरह में जो शोक होता है वो भी अनिवार्य होता है। कोई तामर नहीं है, हमारे जो नियर एंड डियर अति प्रिय है कभी कभी उनको भी खोना पड़ता है, तब भी बहुत चोट पहुंचता है मन में, वो भी अनिवार्य है, एवं उसका चोट कोई कम नहीं है। ठाकुर उदार साहब यहाँ पर कह रहे हैं सीता का शोक में रामचंद्र अपना धनुष भी उठा नहीं सका, यह देखकर लक्ष्मण आश्चर्य हो गए। रामचंद्र के निरंतर संगी अपने अनुज लक्ष्मण वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि स्वयं भगवान रामचंद्र अपना धनुष उठाने में असमर्थ हो गया जब सीता का आदर्शन जनित तो शोक में मग्न हो गए। हम जानते हैं वनवास काल में जब रावण ने सीता को हरण कर लिया तब रामचंद्र रोते हुए सारे वन में ढूंढते रहे,
मानसिक कष्ट में वो बड़ा दहनीय अवस्था हो गया। लेकिन न केवल मानसिक कष्ट था, उसमें शारीरिक विकार भी परिलक्षित हुआ, शरीर भी शक्तिहीन हो गए। रामचंद्र जैसे महाधनुर्धर, वो अपना धनुष भी उठाने में असमर्थ हो गए थे। इसके बाद ठाकुर एक प्रभाव बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं, पंचभूतेर फांदे ब्रह्मपुरे कांदे, पंचभूत के फंदे में पढ़कर ब्रह्म भी रोते हैं। शरीर धारण करने से ये एक अवश्यंभावी अंग है। इसका मतलब है पंचभूत मीन्स तो क्षिति ऑफ तेज मरुद बम, ये जो पंचभूत है, फाइव एलिमेंट्स, ये है प्रकृति। जब जो जीवन धारण मतलब मनुष्य देह जब धारण किया जाता है, तब मायाधीश होने पर भी ईश्वर को मायाधीन होना पड़ता है। प्रकृतिम साम अवष्टभ्य समवामी आत्ममायाया, ये माया अर्थात प्रकृति भगवान का ही है, उनको अवलंबन करते हुए भगवान मानव शरीर धारण करते हैं। लेकिन एक बार प्रकृति के चपेट में आ गए, अंडर में आ गए, तो प्रकृति का नियम उनको पालन करना पड़ता है। प्रकृति का नियम है रोग शोक सहनना पड़ेगा। जीवन में ये अनिवार्य है। और ये रोग शोक होने से कितना गंभीर जो चोट पहुंचता है वो स्वयं भगवान भी अनुभव करते हैं। एवं जब मनुष्य शरीर धारण किया, एकदम मनुष्य के जैसे भी बिहेव करेंगे, नहीं तो उनका मनुष्य लीला असमाप्त हो जाएगा, पूर्ण नहीं अपूर्ण रह जाएगा। तो मनुष्य जो कि जैसे लीला करने के लिए मनुष्य के भांति रोग शोक सहन लेते हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन में भी हम देखते हैं, जब उनके भ्रातुष्पुत्र अक्षय, रामकुमार चट्टोपाध्याय के जो पुत्र थे, अत्यंत सुलक्षण ब्राह्मण थे, अति सुंदर उनका चेहरा था, सुदर्शन एवं पंडित तथा पूजा में दक्ष। उनको दक्षिणेश्वर में बुलाया गया एवं वो पूजा करते थे, ये देखने का चीज़ था। ठाकुर उनको बहुत प्यार करते थे। जब उनको अष्टादश साल उम्र हुआ, एकदम युवा, पूर्ण युवा है, तब अचानक कुछ दिन के बीमारी से उनका देहांत हो गया। जब उनका देहांत हो गया, ठाकुर इतने शोकमग्न हो गए कि तीन दिन अपने बिस्तर से उठ नहीं सका। ही कुड नॉट लीव हिज बेड फॉर थ्री डेज। ये सो मच हार्ट, टोटली डिसहार्टेंड एट द डेथ ऑफ अक्षय। कि भगवान का दुरावस्था देखिए, उधर रामचंद्र शोक में अपना धनुष नहीं उठा पा रहे, इधर श्री रामकृष्ण अक्षय के शोक में अपने बेड से उठ नहीं पा रहे तीन दिन। तो इसी जी भयानक इन लोग का जो शोक का चोट उन लोग अपने लेते हैं, ये शरीर धारण करने के लिए होता है।
तो पंचभूत का फान मतलब जब क्षिति या तेज मनोद्भोम, ये पंचभूत से ही शरीर बनता है। तो शरीर के भीतर एक बार शरीरी आके पहुँचते हैं तो शरीर का धर्म अपरणीय है। इस शरीर के साथ रहने से जो रिश्ता होगा वो भी तो चिरंतन रिश्ता तो नहीं है, आवागमन होगा। लेकिन कोई प्रियजन चले जाने से कितना शोक होता है भगवान स्वयं अनुभव करते हैं। तुलसी का उदाहरण दिया है। एवं कभी कभी भ्रम हो जाता है, क्या ये सचमुच भगवान है? भगवान होने से कैसे, भगवान है लेकिन वह अभी संपूर्ण मानव जैसे बिहेव कर रहे हैं। हम जानते हैं जब श्री रामचंद्र सीता के शोक में रोते हुए वो अरण्य में उनको तलाश कर रहे हैं, वो तो स्वयं भगवान है कि उसको पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन वो करने के लिए नहीं आए, वो मनुष्य के जैसे आए हैं। और वो जब तलाश कर रहे तब स्वयं पार्वती जो उनके अवस्था देखकर भ्रम में पड़ गए, और उन्होंने सुना था कि शिव जी के जो गुरु है जिसका नाम शिव जी हर पल जपते हैं राम नाम, उनका ये दुरावस्था देखकर उनको भ्रम में पड़ गए जी, ये क्या स्वयं राम है, ये क्या भगवान हो सकता है? मन में संदेह आ गया एवं शिव जी के पास जाके निवेदन किया। तो शिव जी बोले बिल्कुल आप ये संदेह नहीं करना चाहिए, वो स्वयं भगवान है। तुमने कहा नहीं ये तो भगवान नहीं होगा, आई डोंट बिलीव, हमें इसको वेरीफाई करना चाहिए, ही कैनॉट बी गॉड। इस समझ शोक में, जबकि सीता तो रावण की हिफाजत में है, ये तो उनको जानना चाहिए था अगर स्वयं भगवान होगा तो इसमें शोक करने का क्या है, ये जरूर ये भगवान नहीं होगा। अर्थात इस होने पर भी इस समय में भगवान बुद्धि नहीं है, इज विदाउट द डिवाइन पावर एट द मोमेंट। शी वॉन्टेड टू डू वेरीफिकेशन लेकिन शिव जी ने मना कर दिया, इसे तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो स्वयं भगवान है, उनसे अब ये सब तुम्हारा कल्याण नहीं होगी। सुना नहीं, चंचल बुद्धि है, त्रिलोक का चंचल बुद्धि होता है, तो इसीलिए सुना नहीं। तो शिव जी ने बोला देखो ये इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, मत जाया करो, सुना नहीं। तो जाके सीता का रूप धारण करके उनके पास आ गए। सीता का तो ढूंढ रहे हो, तो सीता को मिल गया। सीता का रूप ये धारण किया तब रामचंद्र को पता चला ये तो सीता नहीं है, ये स्वयं पार्वती जी आगे उपस्थित हुआ। तो देखते ही रामचंद्र प्रणाम करके कह रहे हैं कि वृषकेतु कहाँ है, आप ये वन में क्या कर रहे हो, आपका तो स्थान शिव जी के बगल में होना चाहिए, आप अकेले इस वन में क्यों ढूंढ रहे हो? इस वन में मतलब इस संशय के अरण्य में, इस संशय के अरण्य में आप क्यों आके पता रहे हैं? विश्वकेतु मतलब जो विश्वास का पेड़ में जबरदस्त बैठे हैं स्वयं शिव, वो कहाँ है उसका भूल गए, अब उसे प्रणाम करके विदा दे दिया। तब उन्हें सचारे ये तो पूरा ज्ञानी है। तो फिर जब शिव जी के पास आया तो शिव जी बोला देखो तुम अभी दूसरा नारी का वेश धारण किया, अभी तुम्हें हमें ग्रहण नहीं करेंगे, फिर उनको तपस करना पड़ेगा, पड़ा वो फिर शिव जी को पाया, वो दूसरा स्टोरी है। लेकिन ये जो भ्रम स्वयं पार्वती जी का हुआ था साधारण व्यक्ति का भी हो सकता है, लेकिन भगवान ये दिखाते हैं कि रोग शोक जो जीवों का होता है
वो अपने जीवन में अपनाते हैं एवं वो रोग शोक होने के बावजूद कैसे ईश्वर को पकड़ के रहते हुए ईश्वर केंद्रित जीवन जिया जाए उसी के उदाहरण वो देते हैं और वही हमारे लिए शिक्षणीय है। परवर्ती प्रसंग क्या है हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।